नमस्कार, हम दीपाकरण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सर्वोच्च द्वारा नागरिक के जीवन रक्षा हेतु कार्य योजना बनाकर काज करक लेल सरकार के देल गेल आदेश। सरकार जिम्मेवारी से उन्मुक्ति नहीं पाबि सकैत अछि, कलक ठहर। लुम्बिनी प्रदेश अंतर्गत होयवला राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के उम्मीदवारी मनोनयन भ रहल अछि। आबयवला जेठ 17 गते होयत निर्वाचन। कतार आ चीन के ग्वांगझाऊ में हवाई उड़ान खुला करबाक सरकार के निर्णय। उड़ान खुला करबाक मिति एखनो धरि अछि अनिश्चित। इजरायल पैलेस्टाइन युद्ध के कारण गाजा में एखन धरि 61 बाल बालिका सहित 212 गोटे के भेल मृत्यु। आज चैंपियंस लीग फुटबॉल में सर्जियो अग्यूरो के फाइनल में खेलबाक संभावना अछि अनिश्चित। पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालत द्वारा नागरिक के जीवन रक्षाक लेल 7 दिन भीतर कार्य योजना बनाकर काज करक लेल सरकार के नाम में आदेश जारी कयल गेल अछि। अधिवक्ता मनीष कुमार श्रेष्ठ द्वारा दायर कयल गेल रिट ऊपर सुनवाई करैत न्यायाधीश नकुल सुवेदी के इजलास सँ प्रत्येक 15 दिन में अदालत में प्रगति विवरण बुझेबाक लेल आदेश देल गेल अछि। सर्वोच्च के आदेश में महामारी के अवस्था समाप्त नहीं भेला धरि के लेल कार्य योजना बमोजिम कयल गेल काज कार्यवाही के प्रगति विवरण सहित के प्रतिवेदन प्रत्येक 15 दिन में अदालत के अनुगमन महाशाखा में पेश करक लेल आदेश कयल गेल अछि। कोनो भी बहाना में सरकार जनता के जीवन रक्षा करबाक जिम्मेवारी सँ पाछू नहीं हटि सकैत अछि कहकर सर्वोच्च के ठहर अछि। सर्वोच्च ऑक्सीजन आधारभूत औषधि या अस्पताल में शैया के अभाव में कोरोना संक्रमित इलाज अस्पताल में भरना या अस्पताल सँ घूमि कऽ नहि आबय पड़बाक सुनिश्चितता करक लेल सेहो आदेश में उल्लेख कयल गेल अछि। तहिना आईसीयू आ वेंटिलेटर के सुनिश्चितता करबाक हेतु आ समन्वय तथा व्यवस्थापन के हेतु तत्काल संबोधन करनिहार टोली गठन करक लेल सेहो सरकार के आदेश देल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा तेसर बेर लेल गेल प्रधानमंत्री पद के शपथ त्रुटिपूर्ण रहलाक कारण पुनः शपथ ग्रहण करेबाक लेल मांग सहित के रिट सर्वोच्च अदालत में दर्ता भेल अछि। रवि दिन दायर कयल गेल रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासन सोम दिन दर्ता कऽ कऽ सुनवाईक लेल मंगल दिन के पेशी तय कयलक। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर चंद्रकांत ग्यवाली, अधिवक्ता लोकेंद्र ओली आ केसर जंग केसी बैशाख 31 में प्रधानमंत्री द्वारा लेल गेल शपथ त्रुटिपूर्ण रहल कहैत पुनः शपथ के लेल रिट दायर कयलनि अछि। तहिना रिट निवेदक सब दोसर बेर मंत्री नियुक्त कयल गेल मणिचंद्र थापा, दावा लामा, टोप बहादुर राय माझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी आ राम बहादुर थापा के नियुक्ति के बदर करक लेल मांग सेहो कयलनि अछि। लुम्बिनी प्रदेश अंतर्गत होयवला राष्ट्रीय सभा निर्वाचनक उम्मीदवारी मनोनयन आइ भ रहल अछि। जेठ 17 गते होयवला निर्वाचनक लेल कार्यतालिका अनुसार आइ मनोनयन होयत कहिकऽ निर्वाचन आयोग जनौलक अछि। उक्त निर्वाचन के लेल नेकपा एमाले चंद्रबहादुर खड़का के उम्मीदवार के रूप में खड़ा कयलक अछि। ओ एमाले प्रवेश कयलाक कारण माओवादी कार्यवाही कयलाक बाद उक्त स्थान रिक्त भेल छल। एमाले हुनके उम्मीदवार बनेबाक निर्णय कयलक अछि। तहिना नेपाली कांग्रेस, नेकपा, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा आ राष्ट्रीय जनमोर्चा सहित के गठबंधन दृगनारायण पांडे के उम्मीदवार बनात। लुम्बिनी में प्रदेश सभा सदस्य आ गांवपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के 296 मतदाता छथि, जाहि में प्रदेश सभा सदस्य 79 आ गांवपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष क 217 मतदाता छथि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सरकार कतार आ चीन के ग्वांगझाऊ में हवाई उड़ान खुला करबाक निर्णय कयलक अछि।
सोम दिन साँझ में बैसल मंत्री परिषदक बैसार से ओ दू गंतव्य में सप्ताह के एक एक उड़ान करबाक उद्देश्य से आई उड़ान खुला करबाक निर्णय कैल गेल। मुदा उड़ान कहिया से होयत एहि के मिति सार्वजनिक नहीं केलक अछि। पछिला किछु समय में निषेधाज्ञाक कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बंद भेलाक बाद कोविड-19 विरुद्ध के स्वास्थ्य सामग्री आ मानवीय आपूर्ति रोकि देल गेलाक बाद उड़ान खुला करबाक निर्णय कैल गेल। सूचना तथा संचार मंत्री पार्वत गुरुंग जानकारी देलनि अछि। कतार में नेपाल एयरलाइंस आ हिमालय एयरलाइंस नेपाल से उड़ान करैत आयल अछि। चीन के ग्वांजाओ में चार्टर्ड उड़ान मात्र होइत आयल अछि। इम्हर सरकार जेठ 17 गति धरि के लेल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में रोक लगौलक अछि। आंतरिक उड़ान अनिश्चित काल के लेल बंद अछि। चार्टर आ उधार उड़ान भ सकैत अछि कहल गेलाक बावजूदो सरकार अपन नागरिक के लेल कोनो देश में उड़ान नहि केलक अछि। कोरोना वायरस संक्रमणक कारण पछिला 24 घंटा में 214 गोटे के मृत्यु भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पछिला 24 घंटा में 9,247 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पछिला 3 दिन से लगातार मृतक संख्या में कमी अयलाक बावजूदो सोम दिन फेर से ई संख्या बढ़ि गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमण से 5,215 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। बीतल शुक्र दिन मृतक संख्या 203, शनि दिन 187 आ रवि दिन 145 छल। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान में ऑक्सीजन प्लांट कहकर जड़ान कैल गेल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद में भ्रष्टाचार भेल कहे जिला प्रशासन कार्यालय सल्यान में उजूड़ी दर्ता कैल गेल। स्वास्थ्य उपकरण खरीद प्रकरण में लाखों रकम के भ्रष्टाचार भेल कहे उजूड़ी देल गेल अछि। कोविड महामारी जोखिम के न्यूनीकरण करबाक हेतु किछु दिन पहिने सल्यान अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट कहकर आनल गेल मशीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहल खुलासा भेल अछि। शनि दिन प्रमुख जिला अधिकारी आ शारदा नगर प्रमुख द्वारा सामूहिक रूप में उद्घाटन कैल गेल कंसंट्रेटर मशीन विवादित बनल अछि। 3 सदस्य छानबीन समिति एउटा गठन गराएर यदि बेमानी नै भएको छ भने हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्छ। अब बेमानी भएको छैन केही होइन, त्यो कन्सल्टेन्टरकै नाममा ऊ आएको छ, के अरे टेन्डर भएको छ, दुरुस्त छन् त्यहाँ भनेपछि कसैलाई केही दोष दिनु भने भाइ भनाइ र गराइमा फरक हुन्छ। त्यो छानबिन समिति त्यो बायोमेट्रिक इन्जिनियर हुन्छ अरे, उसले इस्टिमेट गरेछ, उसले नै प्रमाणित गर्यो भने बल्ल यो भुक्तानी हुने हो। ऑक्सीजन प्लांट मशीन खरीद के लेल कर्णाली प्रदेश से किछ रकम आयल, मुदा खरीद कऽ रहल समय अस्पताल प्रशासन अपना एहि संबंध में कोनो जानकारी नहीं देलक। अस्पताल विकास समिति के अध्यक्ष के कहब छन्, यो वास्तविक के हो, कति पैसा आएको हो, कति में पाइन्छ, कति में सम्पन्न हुन्छ, यो यथार्थ छानबिन गर्नु पर्यो भनेर हामीले समिति बनाएका छौं। अली बाबा के ऑनलाइन शॉप में 2,46,000 से 2,81,000 धरि के दाम रहल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के स्वास्थ्य कार्यालय सल्यान 51 लाख में खरीद कैलों कहकर बतौलक बादो खरीद कैल गेल सामान ऑक्सीजन प्लांट छी कि नहीं एहि संबंध में अपना अनभिज्ञ रहलों कहकर स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान जनौलक अछि। सम्बन्धी ज्ञान नभएको कारणले हामी विश्वासमा पर्यौं भनौं न, एक हिसाबले उहाँले ल्याइदिएको सामान ठिकै छ होला भन्ने विश्वासमा पऱ्यौँ। र फेरि अर्को कुरा के थियो, जडान गर्नलाई हामीलाई हतार थियो, एकदमै हतार थियो कि आज जोड्ने कि भोलि जोड्ने कि, त्यस्तो कोभिडको बिरामी हुँदा हुँदै पनि त्यो भित्र पाइपलाइन बिछाएर हामीले हिजो चाहिँ जडान गर्न सफल भएका छौँ र त्यसबारेमा चाहिँ हामीले बुझ्न नै मौका नै पाइएन। मेसिन खरिदमे बड़का अनियमितता भेल कहत प्रशासन में उजूरी देल गेलाक बाद घटनाक विषय में सत्य तथ्य बुझबाक लेल 4 सदस्य छानबीन समिति समेत गठन भेल। एहि समिति द्वारा पेश कैल गेल प्रतिवेदनक आधार में दोषी ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही कैल जायत, प्रमुख जिला अधिकारी बतौलनि। हामीले भनेको अनुसारको सामान होइन रहेछ भने त्यो सामान हामीलाई चाहिएन, हाम्रो स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामान लिने र त्यो सम्बन्धित सप्लायरलाई पनि कालो सूचीमा राख्ने कामतिर चाहिँ हामी अगाडि जान्छौँ। महामारी के समय में एही प्रकार से सर्वसाधारण के स्वास्थ्य ऊपर खेलवाड़ कैल गेल तथा सामग्री खरीद प्रक्रिया में लापरवाही कैल गेल कहत स्थानीय वासी सब आक्रोशित भेल छथि। स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधित एहन संवेदनशील क्षेत्र में समेत भ्रष्टाचार भेल खबर से चौतरफी आलोचना भ रहल अछि। सल्यान से मीना बुढ़ाथोकी के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। रवि दिन 54 अंक से बढ़कर नवका रिकॉर्ड कायम केने नेप से सूचक सोम दिन सेहो नवका रिकॉर्ड बनौलक।
सोम दिन नेप्से सूचक 20 अंकसम बढ़कर नवका उचाई में पहुंचल। सोम दिन नेप्से सूचक 20.71 अंकसम बढ़कर 2769.22 बिंदु में पहुंचल। सेंसिटिव सूचक सेहो 4.45 अंकसम बढ़ल। एहि दिन कारोबार रकम में सेहो सुधार आयल। रवि दिन 10.40 अरब रुपया के शेयर कारोबार भेल छल त सोम दिन 9.57 अरब रुपया के शेयर कारोबार भेल। मैथिली समाचार में आप छोट मिश्रा। आप खेलकूद समाचार। चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल के लिए चयन होने वाला खिलाड़ी के पहिल सिलेक्शन में सर्जियो अगुएरो के फाइनल खेलबाक संभावना अनिश्चित भेल। अगुएरो एहि सीजन के अंत संगे मैनचेस्टर सिटी से बाहर भ रहल अछि, मुदा अपन टीम चयन भावना में नहीं भ आवश्यकता में आधारित होयत मैनचेस्टर सिटी के प्रशिक्षक पेप गार्डियोला बतौलनि अछि। ओ अपन टीम चयन कोल्ड भ सकबाक संभावना रहल बतौलनि। एहि सीजन के अंत संगे अगुएरो मैनचेस्टर सिटी संगे के 10 वर्ष के यात्रा के अंत क रहल अछि। आबे वाला रवि दिन एहि सीजन के लीग यात्रा सम्पन्न होय से पहिने फिटनेस परीक्षण के सामना करय पड़त। मे 29 में चेल्सी संगे होय वाला फाइनल खेल के लेल खिलाड़ी के चयन जीत निकाल सकबाक आधार में होयत पेप बतौलनि अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार से फेर से एक बेर। सर्वोच्च द्वारा नागरिक के जीवन रक्षा हेतु कार्य योजना बनाकर काज करक लेल सरकार के देल गेल आदेश। सरकार जिम्मेवारी से उन्मुक्ति नहीं पाबि सकैत अछि केलक शहर। लुम्बिनी प्रदेश अंतर्गत होय वाला राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के उम्मीदवारी मनोनयन भ रहल अछि। आय आब वाला जेठ 17 गते होयत निर्वाचन। कतार आ चीन के ग्वांगझो में हवाई उड़ान खुला करबाक सरकार के निर्णय। उड़ान खुला करबाक नीति एखनो धरि अछि अनिश्चित। इजराइल पैलेस्टाइन युद्ध के कारण गाजा में अखन धरि 61 बाल बालिका सहित 212 गोटे के भेल मृत्यु। आ चैंपियंस लीग फुटबॉल में सर्जियो अगुएरो के फाइनल में खेलबाक संभावना अछि अनिश्चित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धो, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।